नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीरी सिरप के बारे में। नीरी सिरप के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कितना इसका डोज होना चाहिए और क्या इसके फायदे होते हैं, किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीरी सिरप का उपयोग कब किया जाता है और किन किन लोगों में किया जाता है। दोस्तों, नीरी सिरप का उपयोग तब किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को या फिर किसी महिला को या फिर किसी बच्चे को जब किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, यानी यूरिनरी सिस्टम में जब कोई दिक्कत होती है। वो दिक्कत कोई भी हो सकती है, चाहे यूरेटर में उसके स्टोन हो, चाहे किडनी में स्टोन हो या फिर ब्लैडर में स्टोन रुक गया है, तो वहाँ पे ये काम अच्छा करती है। एक बात और बता दें आपको, ये सिरप जो होती है तो इसी नीरी सिरप भी आती है नीरी नाम से, और नीरी नाम से टेबलेट भी आती है। इसके इंग्रेडिएंट सेम ही होते हैं, चाहे आप टेबलेट को ले लें चाहे सिरप को ले लें, चीज़ें वही होती हैं। और दूसरी बात ये बता दें, ये आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक दवा के साइड इफेक्ट बहुत कम मात्रा में होते हैं। ऐसा नहीं है कि होते नहीं हैं साइड इफेक्ट, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं वीडियो के लास्ट में जानेंगे दोस्तों। तो इसका आमतौर पर ज़्यादातर जो यूज़ डॉक्टर करते हैं वो पथरी के लिए करते हैं, यानी जिन लोगों को किडनी में स्टोन हुआ रहता है। इसके अलावा इसका उपयोग बच्चों में भी होता है, और चाहे कोई महिला हो या फिर कोई पुरुष हो, हर जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों में थोड़ा इसका डोज कम दिया जाता है, और पुरुषों में जो डोज होता है वो दिन में 3 बार दिया जा सकता है, यानी सुबह दोपहर शाम को। थोड़ा कम दिक्कत है तो उसको सुबह शाम दिया जाता है, 1 चम्मच से लगा के 2 चम्मच तक, यानी कि 10 ml सुबह शाम या फिर दोपहर में। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, किडनी की जब समस्या होती है, वो चाहे किडनी से रिलेटेड या फिर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, तो वहाँ पे अच्छा काम करती है। इसमें जो कंटेंट होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी जो इंग्रेडिएंट होते हैं, बिल्कुल आयुर्वेदिक होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और साइड इफेक्ट होते भी हैं तो इसके बस डाइजेशन से रिलेटेड साइड इफेक्ट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति डोज ज़्यादा ले लेता है तो उसको कब्ज़ वगैरह हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत मतली जैसा हो सकता है, जब पेट में जाके गड़बड़ करेगी तो थोड़ा मतली भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। सावधानियां बरतनी ये होती हैं कि इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, ताकि इसका ओवरडोज ना होने पाए और इसके जो बेहतर रिजल्ट हैं आपको मिल पाए। किसी को अगर किडनी सॉरी अगर किसी को लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है या फिर हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है, तो अपने डॉक्टर को बताएं, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो चेक करके आपको देंगे। और ये जो सिरप है सभी के लिए सेफ है, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो। आई होप आपको नीरी सिरप के बारे में जानकारी मिल पाई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।